सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाना चाहिए लॉकडाउन करके। ये वीडियो शॉट जो आप देख रहे हैं, ये वाजिद बशीर टिक्कू साहब जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं और डीडीसी भी हैं, इनके द्वारा अपने ही पेज पे जो है लाइव ये जो बनाई गई है वीडियोस, जिसमें ये गुज्जर वर्ड का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें इसको लेकर के एतराज है। और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सफीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसके खिलाफ जो है वो की गई है कि क्यों जो है गुज्जर कम्युनिटी का नाम जो है वो बार बार उछाला जा रहा है, लिया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करेंगे सफीर चौधरी साहब। सफीर साहब, क्या दिक्कत है इस वीडियो में, क्या लग रहा है आपको? जो गुज्जर कम्युनिटी का नाम लिया जा रहा है, यहाँ चार गुज्जर कहकर के संबोधित किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के इतने सीनियर नेता हैं, डीडीसी हैं, उनके द्वारा मतलब ये वीडियो बनाई जा रही है, वायरल की जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पर बात रखना चाहिए, क्योंकि एक गुज्जर कम्युनिटी जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर या सिर्फ मेंढर कंस्टिट्यूंसी के अंदर नहीं है, ऑन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर गुज्जर है। गुज्जर की एक पूरी एक दास्तान है, एक स्टोरी है, एक हिस्ट्री है। तो वो जहां तक भी कहीं, वो हिंदू गुज्जर हो या मुसलमान गुज्जर हो, सभी आहत हुए इस बात को लेके कि इस आदमी का, खासकर ये जो अपने आपको इंजीनियर वाजिद बशीर खान इंजीनियर लिखता है, तो मेरे हिसाब से पता नहीं इंजीनियरिंग की डिग्री कहाँ से लेके आया। कोई पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके की बातें नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी, ट्रेनिंग जो उसने लिया है भाजपा से, भाजपा पूरे हिंदुस्तान के अंदर करती है हिंदू और मुसलमान। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान चलता नहीं है, और खासकर हमारी कंस्टिट्यूंसी मैटर की बात करें तो वहां हिंदू मुसलमान करने लायक तो कुछ है नहीं है। तो वहां पर खासकर पीर पंजाल के अंदर जो है एक डिविजन बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, वो थी गुज्जर और पहाड़ी, क्योंकि इक्वल ने तो उनको एक कर दिया एसटी देकर। सुनिए, तो इनको डिवीजन करने के, वो एसटी देने के पीछे भी डिवीजन ही है बेसिकली, वहां से ही शुरू हुआ था। आपको पता होगा, आप याद होगा, आपको भी 1.5 साल पहले भी इसी तरीके का एक बयान आया था जिसमें रविंद्र रैना साहब इनके साथ खड़े थे वहां पर, इस वाजिद खान टिक्कू के साथ खड़े थे, और इसने कहा था, ललकारा था वहां पर भी, किसी गुजर में हिम्मत है तो यहाँ के प्रोग्राम करके दिखाए, ये कहा था इसने। उसके ऊपर भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम पे भी कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से कहती है मैं सबका साथ सबका विकास करती हूँ, मैं सबके साथ चलते हूँ। रविंद्र रैना जी को आपने देखा होगा बहुत बार गुजरों को लड्डू खिलाते हुए, गले लगाते हुए, गले खिलाते हुए, उनको बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं। तो आज मेरी रविंद्र रैना जी को भी आपकी मिसाल से चैलेंज है कि रविंद्र रैना जी, अगर आप ये सच में करते हो, दिल से करते हो कि भाई आपको गुजरों से इतना प्यार है, गुजर कम्युनिटी से इतना प्यार है, तो आपको इस आदमी को 10 मिनट भी पार्टी के अंदर नहीं रखना चाहिए, पहली बात। और इसके ऊपर इमीजिएटली ऐसे पोज करवा के इसको सजा देनी चाहिए और इसको अंदर करना चाहिए। लेकिन ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, इसमें SDPO SHO खुद मौके पे मौजूद हैं, उनके साथ इनका मतलब बहस हो रहा है लाइव, मतलब अपने पेज के ये चल रहे हैं। इसकी मैं पूरी स्टोरी बताना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को, क्योंकि सब लोगों को इसकी स्टोरी बैकग्राउंड का पता नहीं है। एक वहां का पोलिंग स्टेशन है, जो पोलिंग स्टेशन इसके बिल्कुल घर के करीब है, इस आदमी ने सुबह सुबह उठते ही 10 बजे उस पोलिंग स्टेशन को हाईजैक कर लिया। हाईजैक मतलब पूरा वो स्टाफ कंट्रोल में ले लिया और बाहर से किसी को अंदर आने नहीं दे रहा था, खुद से पोलिंग कर रहा, खुद से सारी चीजें। जब ये कंप्लेंट हुई कि इस तरीके से वहां पर हाईजैक कर लिया गया है पूरे पोलिंग स्टेशन को और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था, हाँ लोगों को वोट नहीं करने दे रहा था, और सिर्फ आपने कुछ गुंडाज रखे हुए साथ में, बाहर से उनको कहता जी आप जाओ आपका हो गया है। तो जब इसने ये कार्रवाई शुरू की वहां पर, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हमारी जो वहां पर उस टाइम पे इंचार्ज थी वो पुलिस थी, तो जब वहां से इन्फॉर्मेशन आई, फोन फोन आने शुरू हुए कि भाई इस तरीके से पुलिस स्टेशन में पूरा हाईजैक करके और वो खुद से ही पोल कर रहा है, कुछ किसी को करने नहीं दे रहा है, पूरा स्टाफ जो उसने डरा के रखा हुआ अपने पास, वो तो आपने इस वीडियो के अंदर भी देखा किस तरीके से वो, अगर SDPO को नहीं मान रहा तो वहाँ कहाँ जो बेचारे पोलिंग करवाने गए थे सिविल में उनको मानता ही, DDC भी वहीं के, वहीं का DDC भी आई। तो इसे क्या किया, जब वो हाईजैक का पता लगा तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों रश हुई वहां पर, वो गए मौके पर, उनका काम था, दैट इज देयर ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी बजाने वहां पर गए, और इसने बदतमीजी की वहां के SHO के साथ भी, SDPO के साथ भी, और SDM भी साथ में था। देखिए, एक डिवीजन है हमारा, एक कंस्टिट्यूंसी है, तो उसको चलाने वाले जो लोग हैं, अगर बड़े रैंक की हम बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा रैंक SDM का आता है,
उसके बाद एसडीपीओ है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी तो यही है, इन्हीं को ध्यान रखना है वहां पर। उसने एसडीएम के साथ भी बदतमीजी की, एसडीपीओ के साथ भी बदतमीजी की, और वही एक जो ले बनी हुई थी पहले जो लोगों के साथ कर रहा था वही उनके साथ भी हुआ। खैर एट द एंड उन्होंने किसी न किसी तरीके से करके इसको वहां पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला और वो पुलिस स्टेशन रिलीज करवाया लोगों के लिए वोटिंग करने के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये किसी के इशारे पे मेरे पे एफआईआर लगाई जा रही है, मेरे को हरासमेंट किया जा रहा है, अरेस्ट करने की कोशिश की। ये क्या कह रहा है, ये उस चीज को लेकर आप क्या कह रहा है, अपना इसका क्या मौका बता रहा है कि भाई क्योंकि एसडीपीओ यहाँ पर पहुंचा और मुझे ये जो इलीगल काम में कर रहा था वो नहीं करने दिया, तो इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि ये गुजरों के साथ है, इसके साथ चार गुजर चलते हैं, वो चार गुजरों का क्या डायलॉग है, वो चार गुजर कांस्टेबल्स हैं, कोई कोई सिलेक्शन ग्रेड का होगा पुलिस का, कोई कांस्टेबल होगा, वो चार जो उसकी प्रोटेक्शन में एसडीपीओ के चलते हैं, ये उनको बुला के कह रहा है कि चार गुजर तुमने साथ रखे हुए हैं। तो मेरा आपकी वजह से पूछना है टिको साहब, क्या आप चाहते हैं कि पुलिस के अंदर गुजर नहीं होने चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर गुजर नहीं होनी चाहिए, या ये आप चाहते हैं कि मैंडर के अंदर गुजर नहीं होनी चाहिए, क्या ये आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर गुजर नहीं होनी चाहिए? ये बात बहुत दूर तक जाएगी, ये इसको भारतीय जनता पार्टी जो है क्लियर करे अपना स्टैंड इसके ऊपर कि उनका क्या कहना है। अगर वो साइलेंट रहते हैं, चुप रहते हैं, तो इसका मतलब है कि भैया आप इंडोर्स कर रहे हैं जो उसने कहा है, वाजिद खान ने जो कहा है आप उसको इंडोर्स करते हैं, एक तरफ से आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप रोजाना कोई ना कोई वीडियो बना लेते हैं गुजरों को चप्पे लगा के और उसको लड्डू खिला रहे होते हैं, तो दोहरा मापदंड जो है वो नहीं चलेगा। हाँ भारतीय जनता पार्टी अगर सच में कहती है कि सबका साथ सबका विकास, तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, एक पूरी कम्युनिटी को हर्ट किया है, ये किसी एक दो चार लोगों की बात नहीं है, एक पूरी कम्युनिटी हर्ट हुई है, और ये कम्युनिटी भी उस मोमेंट पे हर्ट हुई है जबकि हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ा फेस्टिवल जो वो मनाया जा रहा है जमहूरियत का, उसके अंदर अगर आप इस तरीके की बातें रखेंगे भाई एक दो मुसलमान तो आप कर नहीं पाए, अब पहाड़ी गुजर करके अगर आप यहाँ पर सरकार बनाना चाहते हैं तो ये आप भूल जाइए, कभी होने वाला नहीं है। और हम आपके साथ से कहना चाहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करती है तो तमाम गुजर को, तमाम उन लोगों को, तमाम वो लोग जो सेकुलर लोग हैं जिनको गुजर पहाड़ी हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट करते हैं अपने बच्चों की तालीम के लिए, वोट करते हैं अपने मामलात को लेके, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का बैकआउट करें। सिविर साहब आप बीच में ये भी डिमांड कर रहे हो कि पीएसए लगाया जाए, मतलब पीएसए के मजाक है कि ऐसे किसी भी लग जाए? देखिए मजाक में बना के रखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हमारे वो नौजवान बच्चे, मैं 100 से ज्यादा आपको नाम गिनवाऊंगा, जो 100 से ज्यादा लोग हमारे कंस्टिट्यूंसी से भी 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा कंस्टिट्यूंसी से जिनके ऊपर एक भी एफआईआर नहीं थी और इलेक्शन से पहले उनको पीएसए लगा के अंदर कर, ऐसी सिचुएशन है वहां की। और ये जब 100 लोगों पे आप पीएसए लगा सकते हैं जिसके खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं है, पूरे आदमी के खिलाफ 200 एफआईआर, हर तीसरे दिन ये किसी न किसी ऑफिसर के साथ उलझा होता है, हर तीसरे दिन किसी न किसी सिविल के साथ उलझा होता है, डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होती है वहां पर गालियां बकता है। तो इसके खिलाफ इतनी एफआईआर होने के बाद भी अगर पीएसए नहीं लग रहा है ड्यू टू दिस रीजन के इसके पीछे बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो फिर तो ये कानून एक तरफा चल रहा है ना, एक तरफ किसी आदमी के ऊपर कोई छोटी सी मिस्टेक होती है सोशल मीडिया में कोई कमेंट लिख देता है आप उसको उठा के 6 मिनट के लिए बंद कर देते हो, और एक तरफ से बंदा लाइव आके इसने 3 दिन के अंदर जितने भी इवेंट किए सब लाइव किए, पहले लाइव आता है उसके बाद जो है फिर अपना वो जितना गंदा उगलना शुरू करता है, कम्युनिटी के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वहां के सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ, सबके खिलाफ इसने बोला है। उसके बाद भी रोने की बात यह है कि भाई उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उठते हैं, वहां के एसडीपीओ साहब जिन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट करने का काम किया, उसने अपनी ड्यूटी की, उसको अटैच कर दिया जाता है एसएसपी जम्मू के साथ। अच्छा वो ऑर्डर भी देखो निकल गया, उसको एसएसपी जम्मू के साथ अटैच कर दिया जाता है, लेकिन इस गुंडा अनासर के ऊपर, इस गुंडों की टीम के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इस वजह से कि ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं या समर्थक हैं या क्या जो भी कह सकते हैं आप। लेकिन ये बड़ी दर्द भरी एक चीज तो है ना, मतलब लोगों का साथ भी तो है उनको, इसीलिए वो डीडीसी बने, लोग भी तो हैं उनके पीछे। देखिए इसमें मैं कहना चाहूंगा 3500-4000 आदमी ये आदमी वोट लेके बना था, आज उन्हीं गुजरों को ये गालियां दे रहा है जिन गुजरों ने इसको डीडीसी बनाया था। तो आगे के लिए आप भी जरा शर्म करें, किस जाहिल और किस अनपढ़ आदमी को आप ला के डीडीसी बनाया, आपने अपना लीडर बनाया, आज वो आपकी कम्युनिटी को गालियां दे रहा है, आगे के लिए आपको भी सोचना है इस बारे में। वो तो इंजीनियर वाजिद बशीर खान टिक्कू, मतलब एक बड़ा नाम, बीजेपी का एक सीनियर नेता, एक डीडीसी, सारी चीजें, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लिखने में आप इंजीनियर से शुरू करते हो कि इंजीनियर वाजिद, इंजीनियर आते हैं आदमी को लगता है यार को पढ़ा लिखा आदमी होगा, क्या आपके ऑडियंस पे छोड़ दे, क्या एक पढ़ा लिखा आदमी इस तरीके से एक कम्युनिटी को लेके हमेशा, जब भी एक बार की बात नहीं है कि एक बार किया तो चलो हो गया, हर बार जब कभी ये निकलता है कम्युनिटी को टारगेट करता है, मतलब क्या सोच है इस आदमी के जहन के अंदर, ये किस तरीके से सोच के चल रहा है, क्या सिर्फ जो है एक कम्युनिटी के वोट लेके कभी जिंदगी में एमएलए बन सकता है, क्या सिर्फ एक कम्युनिटी के वोट लेके क्या कभी लीडर बन सकता है, तो कभी नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और इस तरीके से एक कम्युनिटी को मतलब कटाश करने का तरीका कार इसने निभाया हुआ है, निकाला हुआ है, और ये सोचता है कि जिस तरीके बीजेपी हिंदू मुसलमान करके करती है मैं ये करके कर लूंगा। मैं कहता हूँ भैया आपको, आप वापस गुजरों पे मत जाइए ना, आपकी पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार में इस टाइम पे,
और केस फाइल हो चुका है आपकी पार्टी के लोगों के द्वारा अजमेर शरीफ की ज्यारत को लेके, कि आप ये भी मंदिर है बनवाओ मंदिर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके आप बोलेंगे नहीं, लेकिन मेंढर के अंदर आके आप गुज्जर पहाड़ी ये करते रहेंगे, तो रिजल्ट भी उसका आपके सामने आ रहा है। तो सुधीर भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि एसडीपीओ ने जो है गलत फैसला लिया हो, गलत एफआईआर लगाई हो, गलत तरीके से उनको हरासमेंट किया हो, इसीलिए डिपार्टमेंट ने भी उनको अटैच कर दिया जम्मू एसएसपी के साथ। देखिए उस पर एक चीज बिल्कुल सामने की है, अब डिपार्टमेंट ने किन प्रेशर के चलते ये किया है, वो कहाँ कहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, अभी सरकार में है बीजेपी इस टाइम, वो प्रेशर को लेके किस किस तरीके से क्या हुआ वो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो हमें पता है ना। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई भी जब पोलिंग स्टेशन किसी ने एक ने हाईजैक कर लिया और सारे स्टाफ को बाहर निकाल के वो खुद गुंडागर्दी वहां पर कर रहा है, तो उस टाइम पे तुरंत एक्शन में किसको आना चाहिए था? जो कंसर्न ऑफिसर थे, कंसर्न जो वहां की टीम थी, वो जब इसने बिल्कुल कर दी, क्योंकि 12-14 लोग एक पोलिंग स्टेशन पे पुलिस के और सीआरपी वगैरह के मिला के सारे थे, जब 50 लोग आप लेके घुस जाओगे वहां पर, तो उनका चारा नहीं चला, तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को किया कि यहाँ पर तो इस तरीके से गलत हो रहा है, लोगों ने भी उसके ऊपर एहतजाज किया और लोगों ने भी फोन कॉल वगैरह की, जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे उन्होंने भी फोन किए, तो तुरंत वहां पर किसको पहुंचना चाहिए था? तुरंत वहां पर एसएसपी साहब तो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि वहां पर बहुत दूर बैठते हैं वो, डिस्ट्रिक्ट एडमिशन बहुत दूर रहती है, बहुत दूर ऑफिस है, तो वहां पर कंसेंट वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन चलाने वाले वो लोग हैं एसडीएम और एसडीपीओ, वो दोनों वहां पर पहुंचे, हम दोनों का शुक्र गुजार हैं, मुझे किसी पार्टी का नहीं किस पार्टी का क्या था या क्या नहीं था, हमारा वहां पर कंटेस्टिंग कैंडिडेट ही नहीं था, लेकिन उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वो वहां पर स्पॉट पे पहुंचे। स्पॉट पे पहुंचने के बाद उन्होंने जब देखा कि एक आदमी जो पूरा हाईजैक करके बैठा था, उसको उठा के तो बाहर ही निकालना था ना, भाई तेरा काम क्या है यहाँ पर, अपना एजेंट छोड़ी और निकली बाहर आप, जब ये किया तो उस आदमी ने क्या किया जी, आपने यहाँ पर जी होम मिनिस्टर के वो लेके छत्र था, होम मिनिस्टर की रैली भी खराब करने की कोशिश की है, एसडीपीओ को बोल रहा है वीडियो के अंदर, तो क्या खराब किया भाई? क्या एसडीपीओ की ड्यूटी थी कि भाई वो लोगों को इकट्ठा करके लाता होम मिनिस्टर का जलसा यहाँ पर? इस मामले में क्या कोई एफआईआर वगैरह लगी है या वैसे ही मतलब इशू बना हुआ है? नहीं, उसकी एफआईआर लगी है ना, उसका एफआईआर, अच्छा उसके हाँ सेम एसडीपीओ ने एफआईआर भी दर्ज की, एफआईआर भी दर्ज की है, एसडीपीओ ने एफआईआर भी दर्ज की इस पर कि भाई इस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी का था, उसने वो जो है लगाई एफआईआर भी, एफआईआर के बाद जो सीन किया इसने उसको भी लाइव अपने पेज पे ऐसे दिखाया, जो करने गए थे इनको अरेस्ट करने नहीं गए थे, वो नोटिस सर्व करने गए थे, जो आदमी नोटिस सर्व करने गया वो सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी था, उसको बैठा के इसने वीडियो बना के इस तरीके से बेइज्जती की है, यूनिफॉर्म की वर्दी की पुलिस की, मैं तो कहूंगा कि डीजी साहब को जो है इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, अगर आपसे एक्शन नहीं होता जनाब तो रिजाइन करिए आप तो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे तो हमें क्या बचाएंगे, जब पुलिस अपने एक सब इंस्पेक्टर रैंक के आदमी को, एक एसडीपीओ रैंक के आदमी को, एक एसएसपी रैंक के आदमी को आप खुद को नहीं बचा सकते, हमारा क्या करेंगे भाई आप? इन गुंडा अनासर के बीच में हमारा सिविलियन का क्या काम है? फिर हमारे सिविलियन लोगों का क्या होगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से इनकी कमर टूटी हुई है? आम लोगों का क्या होगा उसके? बिल्कुल, तो क्या डिमांड करते हैं आप, क्या मांग करते हैं? देखिए इसके बाद क्या एफआईआर तो लग चुकी है, उसके बाद देखिए पहली डिमांड ये है कि भाई एफआईआर लग चुकी है, नोटिस उसको सर्व हो चुका है, उस एफआईआर के अंदर उसको अरेस्ट करना पहली डिमांड है हमारी। और दूसरी डिमांड में वाजन तरीके से यहाँ से एसएसपी पूंछ और डिप्टी कमिश्नर पूंछ को कहना चाहूंगा, जनाब अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, 10 से ज्यादा उसके ऊपर एफआईआर है, आपको पता है ये 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, टोटल गिनती नहीं की, लेकिन 10 तो आपने काउंट की, 10 से ऊपर है, क्योंकि हर 30 दिन एक एफआईआर तो उसमें कटती कटती है, इतनी एफआईआर होने के बाद भी अगर आप इसको पीएसए के अंदर बुक नहीं कर सकते हैं, तो जो 100 से ज्यादा बच्चे अपने पकड़ के अंदर अरेस्ट किए उनको रिलीज करवाइए, क्योंकि ये कानून जो है सिर्फ गरीबों के लिए नहीं हो सकता, ये कानून जो है सिर्फ बेसहारों के लिए नहीं हो सकता, ये कानून जो है गुंडाओं के लिए बना था, इन गुंडों के लिए बना था जिनके ऊपर आप इम्पोज करने में फेल हैं, और आप बिल्कुल फेल दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन तो कम्पलीटली फेल हो गई है, वहां के डीसी साहब हो, वहां के एसएसपी साहब हो, अगर आपको प्रेशर झेलना नहीं आया और एक गुंडे की बातों में आके, एक गुंडे के दबाव में आके, प्रेशर में आके आप अपने एसडीपीओ को वहां से शिफ्ट करके यहाँ जम्मू पहुंचा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारी रक्षा करेंगे और हम आपके भरोसे में बैठे रहेंगे, कुछ होगा इस तरीके से। एसडीपीओ ने जो कदम उठाया, जो कार्रवाई की, जो एफआईआर लगाई, उसका जो उनको नतीजा मिला, क्या वो सही था? बिल्कुल गलत था। एक आदमी जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा है, उसके साथ अगर आप इस तरीके से करो, कल को आएगा ये तो किसी को मार के निकल जाएगा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, कल को ये होना ना, मतलब किसी को पुरस्थान देना, किसी को मतलब कहते हैं कि भी एक तरीके का शेल्टर देना, वो इसी को कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने शेल्टर दिया उसको, एसडीपीओ जिसने कार्रवाई की, जिसके साथ इसने बदतमीजी की, जिसको गाली गलौज की इसने, पुलिस स्टेशन बूथ कैप्चर करके बैठा रहा है ये, उसने अगर उसके खिलाफ एफआईआर की तो उसका काम कर्तव्य बनता था, उसने अपनी ड्यूटी की, उसने ये नहीं किया कि गुजरों के दबाव में आके या पहाड़ियों के दबाव में आके या हिंदुओं के दबाव में आके या मुसलमानों के दबाव में आके, उसने नहीं किया, उसने अपनी ड्यूटी की, राइट पाथ पर उसने काम किया, उसको अगर आपको सही काम करने वाले ऑफिसर को आप वहां से उठा के जम्मू भेज सकते हैं, तो इस गुंडा के लिए कोई आपके पास कानून नहीं है कि आप इसको पीएसए में इम्पोज करके नहीं ले जा सकते अंदर, तो ये सामने सामने दिख रहा है कि किस तरीके से जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डरी हुई है। हम तो एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जनाब इनकी कमर तो टूटी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी, उसमें एसएसपी साहब हो या डीसी साहब हो, क्या आपकी भी कमर टूटी हुई है क्या? ये एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन है,
अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये कम्युनिटी का मामला है, ये आदमी हर बार उठता है और कम्युनिटी को टारगेट करता है, अगर इसके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो कल हम रोडों पर पूरी कम्युनिटी को लेकर निकलेंगे, उस टाइम पर फिर हमारे पे भी कार्रवाई कोई नहीं होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी सीनियर नेता सतीश चौधरी हमारे से बात कर रहे थे इसी इशू पे। अगर किसी और ने भी अपनी बात रखनी है या वाजिद खान साहब, टिक्कू साहब अगर अपनी बात रखना चाहते हैं वो भी अपना जो अपनी बात है वो रख सकते हैं, क्या कुछ वहाँ पे हुआ था, क्या उनका वर्षन है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है, अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एट इंडिया।